बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस अर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये फिलहाल एमपीपीएससी के सिलेबस में है, नीति आयोग। और नीति आयोग एमपीपीएससी के साथ साथ कई ऐसे एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, ठीक है, और बिहार पीएससी और सीजीपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज अपन लोग बात करेंगे नीति आयोग, क्यों नीति आयोग लाया गया, इसके पहले नीति आयोग की जगह कौन पर कौन क्या कार्य करता था, क्या, तो उसके सबको बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं नीति आयोग की, ठीक है। नीति आयोग जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और नीति आयोग का सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है कि इसका फुल फॉर्म आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो फुल फॉर्म अपन लोग ध्यान देते हैं क्या है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा नीति NITI, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं अपन लोग इसके स्थापना की। थोड़ा यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे है इंडिया, ठीक है, इंडिया, तो इस चीज़ को सुधार लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अब बात आती है इसके स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 में, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में जो भाजपा की सरकार थी उसने इसको बनाया था। क्यों बनाया था ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। इसकी जो नीति आयोग की जो 15 वर्षीय रूपरेखा तैयार की गई थी, कितने वर्ष की, 15 वर्षीय, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी क्या है, क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं। स्थापना 1 जनवरी को की गई, कब की गई, 2015 में की गई, इसको ध्यान रखना है। 15 वर्षीय रूपरेखा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, श्री नरेंद्र मोदी। तो कहा जाएगा कि इनका जो अध्यक्ष हैं, अगर पूछ लेता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वही भारत के क्या हैं, नीति आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं। अब ये क्या होता है, गवर्निंग काउंसिल, मतलब उसमें जो सदस्य वगैरह हैं वो कौन कौन हैं, तो गवर्निंग काउंसिल में क्या होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं पहली बात, और केंद्र शासित प्रदेश के क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है इसमें कि गवर्निंग काउंसिल में क्या होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। तो आपको केवल एक चीज़ ये ध्यान रखना है, गवर्निंग काउंसिल अगर पूछ लेता है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, और केंद्रीय शासित प्रदेश के क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष भाई साहब वो होता है जो प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करता है। तो वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार जो हैं वर्तमान में क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पगड़िया जी थे जो पहले क्या थे, उपाध्यक्ष थे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। दूसरा उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष जो पहले थे वो थे अरविंद अडगिया, लेकिन वर्तमान में कौन है, राजीव जी हैं, राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष को नियुक्त करता है, और इसके जो चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, CEO कौन है, ठीक है, वो है अमिताभ कांत, ठीक है, कौन है, अमिताभ बच्चन, जैसे बड़ा नाम है वैसे आप याद कर लीजिएगा रिलेट करके, अमिताभ कांत। तो CEO कौन है, वो है अमिताभ कांत, ठीक है। फिर बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना।
जैसे क्या होता था, पहले क्या होती थी, केंद्र में कोई नीति बनती थी और उस नीति को क्या होता था, गांव गांव तक क्या करना था, उसको क्रियान्वयन कराना होता था, ठीक है। तो इसी क्रियान्वयन को तेजी से करने के लिए इसका क्या किया गया था, नीति आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। दूसरा कार्य किस इसका क्या है, ये मैं आपको बता क्या रहा हूँ, उद्देश्य एवं कार्य बता रहा हूँ। इस टॉपिक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उद्देश्य एवं कार्य की, ठीक है। तो इसमें नीतियों क्रियान्वयन को तेज करना था, ठीक है। दूसरा क्या है, केंद्र राज्य के बीच समन्वय बढ़ाना था। जैसे केंद्र और राज्य के बीच ऐसा लगता था जैसे कि समन्वय कुछ कम है, क्योंकि कुछ जैसे पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हो गए, कुछ आपके दक्षिण भारतीय राज्य हो गए, तो उनके बीच ऐसा लगता था जैसे बहुत अच्छा संबंध नहीं बन पा रहा है। तो उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या किया गया था, केंद्र राज्य के बीच समन्वय को बढ़ाया गया था थिंक टैंक के रूप में। इसका ये थिंक टैंक के मतलब क्या होता था कि बहुत सारी चीज ऐसी होती थी जो मतलब नहीं हो पाती थी, तो उसको कैसे किया जाए, कैसे उसको कराया जाए, उसको कंप्लीट कराया जाए, क्रियान्वयन कराया जाए उसका, तो उसके लिए थिंक टैंक के रूप में भी नीति आयोग का गठन हुआ। अब ये थिंक टैंक को मैं अगर आपको और समझाऊं ना अच्छे से, तो बहुत अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। पहले क्या था कि इसके जगह पे, नीति आयोग की जगह पे योजना आयोग होता था। क्या होता था, योजना आयोग, अच्छे समझिएगा। योजना आयोग में क्या होता था कि पहले क्या होता था, जो केंद्र नीति बना देता था, जो केंद्र नीति बना देता था, उसी नीति को स्टेट के छोटे छोटे गांव में क्या किया जाता था, क्रियान्वयन किया जाता था। लेकिन जब ये बना आपका नीति आयोग, तो इसमें क्या किया गया कि भाई साहब, ये तो था कि केंद्र जो नियम बनाता है उसको यहाँ तक लागू करवाना होता है, छोटे छोटे गांव तक। तो जो मोदी जी थे वो बोला कि भाई, जब काम का क्रियान्वयन छोटे छोटे गांव में ही होना है, तो अगर हम जो चीज़ बताएंगे वो सभी गांव में इम्प्लीमेंट कराएंगे, मतलब दक्षिण भारत के राज्य में भी वही होगा, फिर मध्य प्रदेश में भी वही क्रियान्वयन होगा, वही क्रियान्वयन जम्मू कश्मीर में भी होगा, तो ये क्या होगा कि अलग अलग जगह की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि जैसे दक्षिण भारत के गांव का जो स्टेटस है, तो उसके हिसाब से केंद्र नीति बनाएगा। अगर मध्य प्रदेश के कोई वो है, तो उसके अकॉर्डिंग केंद्र बनाएगा। मतलब सब राज्यों का, सब छोटे छोटे गांव का एक अलग अलग क्या बनेगा, हिसाब किताब बनेगा। तो ये एक अच्छा काम रहा नीति आयोग का कि छोटे स्तर में जहां लागू करना है उसी चीज को क्या करते थे, ये उसी के हिसाब से ये बनाते थे अपने नियम कानून। अब योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना, योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति की जगह पे किसको, क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना था, ठीक है। योजना आयोग में क्या था, केंद्रीकृत नीति थी, लेकिन वही चीज जो मैंने आपको बताया ना, केंद्रीकृत नीति बता दी थी योजना आयोग, और केंद्र के हिसाब से पूरे जगह लागू होता था, लेकिन क्षेत्रीय नीति इनसे बना दिया कि एक क्षेत्र विशेष में अगर जो चीज़ है उसको बढ़ाने की बात की गई, ठीक है। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है उसको देख लीजिए, इसको जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, और अगर इतना आपने पढ़ लिया तो इससे आपको नीति आयोग और योजना आयोग इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो योजना आयोग था नीति आयोग के पहले था, फिर योजना आयोग को ही हटा करके 1 जनवरी 2015 से इसको क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग जो था ये रूसी मॉडल पे आधारित था, रूस में ऐसे ही होता था, केंद्र सरकार जो नियम बनाती थी वो छोटी छोटी जगह भी लागू होता था। तो ये जो नीति आयोग था ये भारतीय मॉडल पे आधारित था, इसमें केंद्र जो नीति बनाती थी वो छोटे गांव में लागू नहीं होता था, जो छोटे गांव की आवश्यकता होती थी उसके अकॉर्डिंग फिर केंद्र क्या बनाती थी, नीति बनाती थी। ये एक बहुत अच्छी बात थी। फिर इसमें केंद्र योजना आयोग में क्या था, केंद्रीय भूमिका सर्वाधिक थी, मतलब उसमें जो था केंद्र नियम बनाएगा वही उसके अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब केंद्रीय भूमिका सर्वाधिक थी। लेकिन इसमें सहयोगी संघवाद को बढ़ावा दिया गया कि भाई साहब, मुख्यमंत्री आप हैं अपने प्रदेश के, तो आप भी अपनी समस्या बताइए, है ना, आप उपराज्यपाल हैं केंद्र शासित प्रदेश के, तो आप भी अपनी जानकारी दीजिए कि किस प्रकार से आपके जगह पे क्रियान्वयन कराया जाए, कैसे प्रोग्रेस किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें भूमिका आई थी, ठीक है। अब इसमें और अपन लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अनुमोदन। इसका अनुमोदन जो था योजना आयोग का, वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था,
और इसका अनुमोदन भाई स्वयं हो जाता था। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष खुद ही प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष इनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो अनुमोदन भी आसानी से हो जाता था। लेकिन उसमें क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता था। इसमें सरकार की भूमिका थी, मतलब इसमें जो भी काम होंगे केवल और केवल गवर्नमेंट ही करवाएगी। लेकिन इसमें क्या है, सरकार तो करवाएगी ही, साथ में निजी क्षेत्र का भी काम होगा, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी काम होगा। जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रोडें बन रही हैं पीपीपी मॉडल पे, बहुत सारे मॉल बन रहे हैं गवर्नमेंट की ज़मीन पर, वो भी पीपी मॉडल पे बन रहे हैं, तो पीपी मॉडल का उपयोग वहाँ पे होगा। योजना केंद्रीकृत होती थी, इसमें योजना कैसी है, क्षेत्रीय है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, योजना केंद्रीय और क्षेत्रीय का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल स्तर है, इसने जो नियम बनाया वो भारत के हर एक कोने पर लागू होगा। लेकिन अगर मान लीजिए छोटे छोटे गांवों की अलग अलग नीड है, अलग अलग आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नियम बनाएगी केंद्र। केंद्र अगर दक्षिण भारत का राज्य है तो केंद्र अलग नियम बनाएगा, अगर साउथ का सॉरी आपका उत्तर भारत का है तो फिर अलग केंद्र नियम बनाएगा। तो ये एक अच्छी बात हुई थी योजना आयोग केंद्र के नीति आयोग में, दोनों में अंतर में, ठीक है। तो नीति आयोग का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म जाना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इंडिया बना लीजिएगा इसको। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, इसमें 15 वर्षीय रूपरेखा तैयार की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही के एग्जाम में कि भारत के प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष नीति आयोग का वो कौन है, तो भाई साहब वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। गवर्निंग काउंसिल जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उपाध्यक्ष क्या होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, प्रशासक प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो कौन है, राजीव कुमार वर्तमान में है, प्रथम कौन थे, अरविंद अडगिया, तो इसे ध्यान रखिएगा। सीईओ कौन है, तो वो कौन है, अमिताभ कांत जी हैं, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था, तो नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना था, ठीक है, केंद्र राज्य के बीच समन्वय को बढ़ाना था, थिंक टैंक के रूप में योजना आयोग की केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना था। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर भी मैंने आपको बता दिया है, सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको मेरे ग्रुप से ऐड होना है तो ये 6811-96 पे आप मुझे मैसेज कर दें और अपना नाम लिख दें, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे वीडियो आपको वहाँ पे जल्दी से मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।